बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ऑट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म में क्या फर्क है और इनका सही इस्तेमाल क्या है। और कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि शुड हैव बीन या ऑट टू हैव बीन क्या है, तो आइए इन सभी के बारे में डिटेल से समझें। आइए सबसे पहले सीखें कि शुड हैव बीन या ऑट टू हैव बीन का क्या कंसेप्ट है। इन दोनों का मतलब होता है होना चाहिए था, और ये दोनों वर्ड पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पास्ट के बारे में बात होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आपको वहाँ होना चाहिए था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड हैव बीन देयर। आप ये भी कह सकते हैं यू ऑट टू हैव बीन देयर, यानी आपको वहाँ होना चाहिए था। अगर आपको कहना हो उसे हाजिर होना चाहिए था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही शुड हैव बीन प्रेजेंट। आप ये भी कह सकते हैं ही ऑट टू हैव बीन प्रेजेंट, यानी उसे हाजिर होना चाहिए था। आपको खामोश होना चाहिए था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड हैव बीन साइलेंट। आप ये भी कह सकते हैं यू ऑट टू हैव बीन साइलेंट, यानी आपको खामोश होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला कंसेप्ट समझा कि शुड हैव बीन या ऑट टू हैव बीन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें कहना हो होना चाहिए था। यह मैं आपको एक और बात बता दूं, हो सकता है आप सोच रहे हो कि इन दोनों में क्या फर्क है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा इन दोनों में ना के बराबर फर्क है, यानी इन दोनों में बस एक ही फर्क है, वो ये है कि शुड के कंपेयर में ऑट ज्यादा पोलाइट है या शुड के कंपेयर में ऑट स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर हम बात स्पोकन इंग्लिश की करें तो स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे के जगह किया जाता है, क्योंकि इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। आइए फ्रेंड्स अब सीखें कि शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑट टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कब करें। इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि गुजरे हुए टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, यानी आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने इस काम को नहीं किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऑट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से भी बोल सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं यू ऑट टू हैव लर्नड इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था। आपको पैसा बचाना चाहिए था, यू शुड हैव सेव्ड मनी। आप ये भी कह सकते हैं यू ऑट टू हैव सेव्ड मनी, यानी आपको पैसा बचाना चाहिए था। आपको कॉलेज जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। आप ये भी कह सकते हैं यू ऑट टू हैव गॉन टू कॉलेज, यानी आपको कॉलेज जाना चाहिए था। हो सकता है कि आप फिर सोचे यहाँ शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ऑट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म में कोई फर्क है, तो वही मैं पिछली बात को रिपीट करूंगा। ये दोनों बहुत हद तक इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन वाकई अगर आप जानना चाहते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, तो मैं आपसे कहूँ इन दोनों में यही फर्क है कि शुड के कंपेयर में ऑट स्ट्रॉन्गर है या ज्यादा पोलाइट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि शुड हैव बीन या ऑट टू हैव बीन, शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या ऑट टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल को लेकर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगर आप भी किसी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।